हेलो व्यूअर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एजाज कुरैशी शो का लेकर। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह एक और महफिल नात मुनक्किद करने जा रहे हैं द एजाज कुरैशी शो के प्लेटफॉर्म पर, तमाम दोस्तों को, यूट्यूब चैनल देखने वालों को और ट्विच टेलीविजन चैनल पर हमारा प्रोग्राम देखने वालों को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं द एजाज कुरैशी शो। आज इस महफिल नात में हमने मदु किया है हमारी बहुत प्यारी दोस्त रिमशा कमल साहिबा को। रिमशा कमल साहिबा नशीद आर्टिस्ट हैं, नाथवा हैं माशाल्लाह, और इस्लामाबाद पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नात पढ़ती हैं और आजकल टेलीविज़न चैनल्स पर जिसमें सच टीवी, एटीवी, इन पर और रेडियो पाकिस्तान पर नातवानी फरमा रही हैं। विदाउट फर्दर एडियो वेलकम कहते हैं अपनी मेहमान को रिमशा कमल साहब। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और आप शुक्र तशरीफ लाएं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो प्रोग्राम के शुरू में थोड़ा सा हम आपके हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊं, खैर छोटी सी तो आप अभी भी हैं लेकिन और छोटी सी 3-4 साल 5 साल की रिमशा कवल, क्या मेमोरी आपको याद आती है, क्या अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरी जहन में आती है आपके? नाथवानी का सफर जो है वो बचपन से ही स्टार्ट हुआ और जब 2 क्लास में थी तो रेडियो पाकिस्तान पढ़ने का मौका मिला। माशाल्लाह। उसके बाद फिर इसी चीज़ को जारी रखा, फिर एकेडमी ज्वाइन की प्रॉपर। तकरीबन 2.5 से 3 साल जो है प्रॉपर एकेडमी से मैंने नाच सीखी, तालीम तरबियत। अच्छा। और अब ये है कि मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह, और जी बहुत जबरदस्त। एक नात अकेडमी को तो मैं जानता हूँ, सिराते नात अकेडमी है आपके इस्लामाबाद में ही है, जो मोहतरमा सलमा खान उसको सरपरस्त उसकी हैं। आपने कौन सी एकेडमी से पढ़ा नात? मैंने सीखा है एकेडमी से, मदनी हुसैनी हमदोनाथ एकेडमी है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। ठीक है। साद वकार हुसैन मदनी साहब मेरे टीचर हैं क्या बात, जिनसे मैंने नातवानी सीखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो आप बता रही हैं कि ग्रेड 2 से माशाल्लाह से आप नातवानी कर रही हैं, आपको याद है कौन सी नात आपने पहले पढ़ी सबसे स्टेज पर? तब तो इतना मतलब बच्ची थी ना, कोई इतना वो नहीं था। बस पढ़ी थी नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर वाला है, नूर लेकर आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेलीविजन पर आप जो है वो कैसे रसाई हुई आपकी, टेलीविजन तक कैसे पहुंची आप? डिफरेंट मुकाबला जात होते रहे चैनल्स पे और फिर उन मुकाबला जात में हिस्सा भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सीखा भी इसी तरह। मतलब सबसे पहले मैंने एक टीवी चैनल पे ज्वाइन किया और वहाँ फिर मैंने उसके बाद ये सोचा कि प्रॉपर मुझे नाच सीख लेनी चाहिए ना, ठीक और फिर इसी चीज को आगे लेके मैं बढ़ी। ठीक है, फिर अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लिया और बिल्कुल ठीक पाकिस्तान में ठीक पढ़ने का मौका मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। खवातीन नातवान जो हमारी हैं पाकिस्तान की या हिंदुस्तान जी की, किससे ज्यादा मुतासर हैं आप, किस को पसंद करती हैं आप? उम्मे हबीबा हैं उम्मे, मेरी फेवरेट हैं, माशाल्लाह। अलावा हिना नसरुल्ला मेरी फेवरेट हैं। हिना नसरुल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और मेल नातखानों में, मर्दों में आप किसको पसंद करती हैं, आप किसको सुनना चाहती हैं? सैयद जबीब मसूद शाह साहब, सैयद सबीउद्दीन रहमानी की बात कर रही हैं? सैयद जबीब मसूद शाह साहब, जबीब मसूद, अच्छा जबीब मसूद शाह साहब, क्या बात है जनाब, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। टेलीविजन पर आपने कौन सी सबसे पहली नात पढ़ी? टेलीविजन पर जो मैंने नात पढ़ी वो थी मेरे कमली वाले की शान ही निराली। शान ही निराली है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नात।
चलिए जनाब, विदाउट फर्दर एडियो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और तमाम दोस्तों से मैं ये अर्ज कर दूं कि प्रोग्राम का, हमारे स्पेशली नातिया प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है, हमदे बारी ताला से, अल्लाह के बाबरकत नाम से और उसकी तारीफ से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और उसके बाद चंद नातें प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, फिर एक मनकबत होगी और उसके बाद में मुनाजात और फिर दुआ। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिए, इसमें आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बाबरकत महफिल है कि जहाँ पर अल्लाह के प्यारे रसूल आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, वहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और जहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है वहाँ पर रहमतों और बरकतों की बारिशें हो रही होती हैं। तो इसलिए तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और इस प्रोग्राम में आखिर तक शामिल रहें, ताकि आपको भी उस सवाब का कुछ हिस्सा मिल सके। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा रिमशा कमल साहिबा से कि हमद बारी ताला, सबका मालिक तू है, सबका मौला तू है। मोहम्मद रफीक नकीबी साहब की ये नात हमद है, मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि इसके चंद अशार प्रोग्राम में शामिल करें। सबका मालिक तू है, सबका मौला तू है, सबका मालिक तू है, सबका मौला तू है, सारे मोहताज तेरे, सबका दाता तू है, सबका मालिक तू है, सबका मौला तू है। कुल हो जात समद, सब पे सबको तेरी ही मदद, तेरे औसाफ भले, तेरे औसाफ भले, वाहिद यकता तू है, मालिक तू है, सबका मौला तू है। पढ़ना पड़ता तेरा बूटा बूटा तेरा, रंग खुशबू कुंचा तेरा, जर्रे जर्रे में यहाँ, जर्रे जर्रे में यहाँ, जलवा फरमा तू है, सबका मालिक तू है, सबका मौला तू है। खूबसूरत शेर है। मैं गुनाहगार बड़ा तू है गफार बड़ा, हश्र में मेरा नबी है मददगार बड़ा, बेसहारों की दुआ, बेसहारों की दुआ सदा सुनता तू है, मालिक तू है, सबका
सबका मौला तू है, तेरे जलवों की जिया जा बजा फैली है, हुस्न की शोक अदा जा बजा फैली है, सबको जिसकी है लगन, सबको जिसकी है लगन, महबूब वो तन्हा तू है, मालिक तू है, सबका मौला तू है, सबका मालिक है, सबका मौला तू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम जनाब रफ़ीक नकीबी साहब का आपने प्रोग्राम में शामिल किया। मोहम्मद रफ़ीक नकीबी साहब ने बड़ा ही खूबसूरत हमदिया कलाम तरीर फरमाया, और आपने उतना ही खूबसूरती से आपने उसका हक अदा किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली नात जनाब आज़म चिश्ती साहब की लिखी हुई नात, जिसके लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा रिमशा कंवल साहिबा से। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने सरकार का मेहमान मदीने आजम
रहा हूँ मेरा सामान मेरे आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने मुझ खता कार सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम जनाब आज़म चिश्ती साहब का, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, क्या बात है। हम सब की यही तमन्ना होती है कि हम मदीने में रहें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलाम आपने प्रोग्राम में शामिल किया, आपका बहुत शुक्रिया। अगली नात जनाब अदीब रायपुरी साहब की है, और अदीब रायपुरी साहब माशाल्लाह बड़े पाए के नात को शायर थे, और इत्तेफाक से मुझे उनसे मुलाकात का शर्फ भी उनके घर पर हासिल हुआ। कराची में रहते थे, और मिश्कात नात का एक नुस्खा उन्होंने मुझे अपने ऑटोग्राफ करके और उन्होंने मुझे अता फरमाया, अभी तक मेरे पास महफूज है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अदीब रायपुरी साहब के दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में आला मुकाम पर फायज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अदीब रायपुरी साहब के जिस कलाम के लिए मैं मोहतरमा रमशा कमल साहिबा से दरख्वास्त गुजार हूँ वो है, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। नात सुनाए तो अजब क्या, आज मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए अजब क्या, उन पर तो
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कलाम जनाब अदीब रायपुरी साहब का अपने प्रोग्राम में शामिल किया। आज अश्क मेरे नात सुनाएं तो अजब क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगली नात जो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा रिमशा कुमार साहब, वो है जो आपने टेलीविज़न पर पहली बार पढ़ी, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। ये कलाम वो कलाम है जिसकी जिससे मैंने अपनी नातखानी की इब्तदा की, और अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट जो सीडी के कलाम हैं उसमें भी ये मेरा अपना पढ़ा हुआ कलाम है जो मैंने तर्ज में पढ़ा है। अच्छा, आप वो आपने आपने इसकी तर्ज तब्दील की, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता है सारा जग सवाली है, कुल जिसको
मदीने की फजाओं की बात हो रही है कि आप जब मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो फिर आपको वहाँ की जो फिजाएं हैं वो भी खुशगवार और मुअत्तर लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अभी भी यहाँ जाहिरी हयात में मौजूद हैं। खूबसूरत शेर है कि बात ही निराली है, शहर मुस्तफा तेरी बात ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। वो बिलाल हबशी हो, आओ वैसे करनी हो, वो बिलाल हबशी हो, याओ वैसे करनी हो, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है, उन पे मरने वालों की अदा निराली है, मेरे
कमली वाले की शान ही निराली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने प्रोग्राम में शामिल किया, बड़ा मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम की अगली नात जिसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ फरमाए शाह कमल साहबा, वो है आप सा दोनों जहाँ में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आपने किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, और जिसने सरकार के चेहरे की जियारत कर ली, जिसने सरकार के चेहरे की जियारत उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। खूबसूरत शेर है कि जो भी काबे जो भी काबे ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, ये समझ लो उन्हें
आप ना दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। ये शेर दोबारा पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत शेर है, सुभान अल्लाह। जो भी काबे से पलटे आए ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। और इस निकम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। इस निकम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलाम शहजाद साहब का आपने पढ़ा, माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया, जज़ाकअल्लाह खैर। अच्छा जनाब, नातों का सिलसिला यहाँ पर रोकते हैं और अब वक्त हुआ चाहता है एक मनकबत का, और वो मनकबत है अहमद अली हकीम साहब की लिखी हुई मनकबत, जिसके लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा रिमशा कवल साहिबा से कि सखा उनकी विरासत है, अता उनकी विरासत है। सखा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। सखा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। वो हस्ती हो खदीजा की,
ओ जहरा हो कि ज़ैनब हो, गवाह कुदसी है ए लोगो, हया इनकी विरासत है, गवाह कुदसी है ए लोगो, हया इनकी विरासत है। ये शब है खादिमा, सवेरा का नौकर है। ये शब है खादिमा, जब चाहे असर कर दे, जिया इनकी विरासत है, सखा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। ये पत्थर मारने से बदला भी नहीं लेते, करम इनकी विरासत है, दुआ इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है, दुआ इनकी विरासत है, सखा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मनकबत आपने प्रोग्राम में शामिल की। मोहतरमा रेमशा कमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अली हकीम साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम, सखा इनकी सखावत है, अता इनकी सखावत है, बहुत शुक्रिया। हमारे और आपके कॉमन दोस्त जनाब हुमायूं खान साहब हमारे साथ हैं। खैर, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम काबिल कदर एजाज फैज साहब। वालेकुम असलम सर, और आपकी टीम, सारी टीम का सलाम वालेकुम। वालेकुम असलम, टीम की तरफ से भी बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान जदून जनाब कराची पाकिस्तान से हमारे दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका। मैं खसूसी शुक्रगुजार हूँ कि आपने रिमशा कंवल साहिबा से मुझे कनेक्ट किया, और आपकी वजह से आज ये प्रोग्राम जो है वो हम कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं रिमशा कंवल बहन जी अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलाम का इंतखाब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुभान अल्लाह भी फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, प्रोग्राम के आखिर में एक मुनाजात के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा रिमशा कंवल साहिबा से। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। करम मांगती अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम हूँ अता मांगती हूँ इलाही,
तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला सदका। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, मसरूर रखना, बलाओं सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जजाकल्ला जजाकल्ला, आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा खूबसूरत मुनाजात आपने प्रोग्राम में शामिल किए। आपकी क्या कहना चाहिए, नात ख्वाह एक और आपके ही नात के हवाले से ताल्लुक रखने वाली सवेरा फलक कराची से हमारे साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, कह रही हैं माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपको ज्वाइन करने का। मायूस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जजाकल्ला सुबहानल्लाह कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइश करें खुलाए सभी के लिए बाबे रहमत। बहुत खूब कलाम है, लेकिन प्रोग्राम का अब अख्तिताम करना है तो मैं छोड़ता हूँ रिमशा कमल साहिबा पे कि जिस तरह आप मुनासिब समझें आप उस तरह फरमाइए। जजाकल्ला जी, मैं इसके चंद दो अशआर पेश कर देती हूँ।
खुला है सभी के लिए बाबे रामन, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, तारे लगाए खड़े हैं सवारी, खुला है सभी के लिए बाबे रामन, वहां कोई रुतबे मैं पहले पहल जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए थी तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना ना आली। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जनाब, हुमायूं खान जदून साहब आपकी रिक्वेस्ट पूरी हुई, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और हाफिजा नौरीन मेमन नातवा हमारे साथ हैं, कह रही हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिजा नौरीन साहबा आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम का अख्तिताम ऑलमोस्ट हो गया है, आप से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर दिखेगा और ज़रूर आप हमें मुतला फरमाइएगा कि ये प्रोग्राम कैसा रहा और किस तरह इसको और बेहतर किया जा सकता है। कुरान ट्यूटर हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जजाक अल्लाह एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। और हसनैन जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। दुआ फरमाएंगी आप रिमशा कमाल साहबा क्विकली। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरात वल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صلى الله تعالى على الكريم والشيطان والفشي أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. آمين سمع آمين. जजाकल्ला खैर मोहतरमा रिमशा कमल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ आप फरमाएंगी आज के शो के हवाले से और आज के टॉपिक के हवाले से, कुछ मैसेज हमारे वीडियो को अगर आप देना चाहें तो। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम, खूबसूरत
महफिल। शो आप किया होस्ट, और अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए और आमीन आमीन आप सुमा इस तरह की, बहुत आमीन शुक्रिया। सुमा आमीन। कुछ और कमेंट और उसके बाद खत्म करते हैं। कुरान ट्यूटर ने कहा आमीन, हुमायूं खान साहब ने कहा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कहा जनाब एजाज भाई, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जनाब, बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत हुसैन भाई, ऑलवेज ऑलवेज जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है हुसैन साहब इस्लामाबाद से, बिल्कुल इंशा कमल बहन जी, अल्लाह आपको सलामत रखे आमीन, और इज्जत से नवाजे आमीन, अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरमा रिमशा कमल साहिबा, ड्रीम टेलीविजन की तरफ से, दीजा शीशो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम जो मुझे शुक्र रन करने में हेल्प करती है, उनकी तरफ से, वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने मेट्रिक टेलीविजन पर हमारे चैनल पर लाइव वॉच किया, यूट्यूब चैनल पर लाइव वॉच किया, कमेंट किए, या वो तमाम दोस्त जो इस शो की रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर अपने टाइम जोन के मुताबिक बाद में वॉच करेंगे, तमाम की तरफ से आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत खूबसूरत कलाम आज प्रोग्राम में शामिल किए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशगूर हूँ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वसीयती मोहतरमा रिमशा कमल साहिबा इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे साथ आज शामिल थी लाइव, आप देख रहे थे द जास कुरैशी शो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा, इस शो को किस तरह मजीद बेहतर किया जा सकता है आपकी आरा का मुंतजर रहता हूँ हमेशा की तरह, कमेंट करके जरूर बताइए कि हम इस शो को और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब तमाम दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ दोस्त ताखिर से तशरीफ लाए, उनके लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि इस शो की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ पर आप जरूर उसको देखिएगा और मुझे अपनी आरा से मुतला कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और ज़बरदस्त मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत होगा, उस वक्त तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।